फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय किरण। टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट फैमिली ऑफ पी ग्लोब एंड द नेक्स्ट फैमिली इज कार्बन फैमिली। राइट डाउन द हेडिंग कार्बन फैमिली। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द मेंबर्स ऑफ कार्बन फैमिली। फर्स्ट मेंबर इज कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। कार्बन क्या होता है? कार्बन इज नॉन मेटल, राइट। सिलिकन इज ऑल्सो नॉन मेटल। जर्मेनियम इज मेटलॉइड, राइट। टिन एंड लेड आर द सॉफ्ट मेटल ड्यू टू देयर लो बॉइलिंग पॉइंट, दे आर कॉल्ड एज सॉफ्ट मेटल, राइट। अब वन बाय वन इन एलिमेंट्स की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, इनकी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। तो कार्बन से स्टार्ट करते हैं। कार्बन, नेचर में कार्बन दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। नंबर वन इज एलिमेंटल फेस। एलिमेंटल फेस को अगर डिस्कस करें तो किसमें होगा? कोर में होगा। और किसमें पॉसिबल है? ग्रेफाइट में पॉसिबल है। नेक्स्ट और क्या हो सकता है? डायमंड, राइट। अगर कंबाइंड फॉर्म की बात करें तो कंबाइंड फॉर्म में तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, लाइक हाइड्रोकार्बन, मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, CO2, बहुत सारे कंपाउंड पॉसिबल है। तो ये उसकी कार्बन की कौन सी फेज है? कंबाइंड फेज है, राइट। और आपको पता है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो तो बिना कार्बन के पॉसिबल ही नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो जो बेस है वो क्या है? कार्बन ही तो है। केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों हुआ? पीरियोडिक टेबल में तो बहुत सारे एलिमेंट प्रेजेंट थे, बट कार्बन को लेके अलग से केमिस्ट्री बन गई, विच इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो किस प्रॉपर्टी की वजह से होता है? कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से। कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी है विच इज कॉल्ड एज कैटेनेशन प्रॉपर्टी, जिसमें क्या होता है? कार्बन एक लॉन्ग चेन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है एंड इट कैन ऑल्सो फॉर्म द ब्रांच स्ट्रक्चर। तो एक लॉन्ग चेन भी बना सकता है, एक ब्रांच चेन भी बना सकता है। इस वजह से नेचर में कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, राइट। क्लियर हुआ? कार्बन के अगर मैं आइसोटोप की बात करूं तो कार्बन के मेनली थ्री आइसोटोप आर देयर, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, राइट। एंड द कार्बन 14 आइसोटोप इज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप, राइट। ये क्या है? रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। इसका कहां यूज किया जाता है? जब भी कोई मेटाबॉलिक पाथवे की स्टडी किया जाता है तो उस मेटाबॉलिक पाथवे में कार्बन तो इंक्लूडेड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस होती है उसमें, मतलब मेन जब डिग्रेड हो जाता है ग्लूकोज मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बाद CO2 और वाटर में जब कन्वर्ट होता है, तो उस टाइम रेडियो एक्टिव एलिमेंट को यूज करके उसकी पूरी प्रोसेस को स्टडी किया जाता है, राइट। इस वजह से रेडियो एक्टिव आइसोटोप का भी मेजर रोल रहता है केमिस्ट्री में, राइट। ये मेन मेन प्रॉपर्टीज होगी किसकी? कार्बन की, राइट। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट एलिमेंट्स की, सिलिकन एंड जर्मेनियम। ये भी इंपॉर्टेंट है और इनकी जब अल्ट्रा प्योर फॉर्म हम यूज करते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेट 99% या 100% के अप्रोक्स में जब ये एलिमेंट होते हैं, उस टाइम इनका यूज किया जाता है इन मेकिंग द सेमीकंडक्टर डिवाइस, राइट। और जो SN है वो जनरली हमें मिलता है SNO2 के फॉर्म में, और जो लेड है वो किस फॉर्म में मिलता है? PbO2 के फॉर्म में। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन, किसका? जनरल सा डिस्कशन था इन एलिमेंट्स का, जो कि क्या थे? कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स थे। अब इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो सो राइट ऑन द हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन फैमिली एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस
द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन फैमिली प्रॉपर्टीज. नंबर वन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. बोरोन फैमिली में भी हमने यही डिस्कस किया था. वहां क्या था, NH2NP1, यहां क्या होगा NH2NP2 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. राइट, सेकेंड अगर पॉइंट डिस्कस करें विच इज कोवेलेंट रेडियस कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन एंड लेड. राइट, डाउन द ग्रुप जब भी रेडियस को कंपेयर किया जाएगा इस फैमिली में, देन रेडियस जो मिलेगी हमें वो इंक्रीज वैल्यू मिलेगी. कार्बन से सिलिकॉन तक जाओगे तब भी इंक्रीज होगा, और सिलिकॉन से जर्मेनियम भी जाओगे नीचे, जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे कोवेलेंट रेडियस जो है वो इंक्रीज मिलेगी आपको. राइट, क्लियर हुआ. तो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, आईपी क्या होती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ ए आइसोलेटेड गैसियस एटम, वो क्या होता है आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल. तो डाउन द ग्रुप जब आयनाइजेशन पोटेंशियल को डिस्कस किया जाएगा देन आईपी वैल्यू विल बी डिक्रीज, क्योंकि रेडियस जो है वो ज्यादा हो जाएगी. दो फैक्टर, जेट इफेक्टिव भी लगेगा, रेडियस का भी फैक्टर लगेगा, बट ओवरऑल आईपी की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. क्लियर, बोरोन फैमिली को रिवाइज कर लिया होगा आपने अभी तक. अगर आपने बोरोन फैमिली का लेक्चर नहीं देखा है तो स्टूडेंट लेक्चर देखिए पहले. अगर आपको अच्छा लगता है लेक्चर तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी. राइट, तो फोर्थ पॉइंट पे मूव करते हैं. फोर्थ पॉइंट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो डाउन द ग्रुप कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन एंड लेड, यहां पे हमें डिस्कस करना है. तो कार्बन से सिलिकॉन एंड सिलिकॉन से जब जाते हैं तो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होनी चाहिए. बट यहाँ पे तो हमें डिक्रीज मिलती है वैल्यू कार्बन से सिलिकॉन की तरफ. उसके बाद अप्रोक्सीमेट कार्बन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो क्या मिलती है हमें, सेम मिलती है. अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डेटा द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज 2.5, 1.8, 1.8, 1.8 एंड 1.9. देखो एक अप्रोक्सीमेट लास्ट में क्या मिल रही है हमें, सेम वैल्यू. एक बार डिक्रीज होगी वैल्यू, उसके बाद वैल्यू हमें क्या मिलेगी, सेम मिलेगी. तो क्लियर हुआ यहाँ तक, याद भी हो गया आपको. अब नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं विच इज फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. देन हम मूव करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ. फिजिकल प्रॉपर्टीज में बस यही बताना है कि जो एलिमेंट्स है इस कार्बन फैमिली के ऑल आर सॉलिड. फिजिकल प्रॉपर्टीज राइट ऑन द हेडिंग एंड ऑल एलिमेंट्स आर सॉलिड इन नेचर. राइट, मेटल नॉन मेटल की कैटेगरी में अगर डिवाइड करें तो कार्बन एंड सिलिकॉन आर नॉन मेटल, जर्मेनियम इज मेटेलॉइड. राइट, टिन एंड लेड इज मेटल. राइट, नेक्स्ट पॉइंट इज केमिकल प्रॉपर्टीज. राइट ऑन द हेडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज. सिर्फ सुनने पर ध्यान दो आप, बीच में लिखना बंद करो. ऑक्सीडेशन स्टेट की ओर डिस्कस करते हैं सबसे पहले. मुझे बताओ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या पॉसिबल होगी. बोरोन फैमिली में मैंने आपको समझाया था अच्छे से, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है वैलेंस शेल का, NH2NP2. तो क्या हो सकता है, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो चार बॉन्ड, चार इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो वो चारों इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है. मतलब जो इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो एग्जिस्ट करेगी वो क्या होगी, +4. राइट, और क्या, सॉरी हाँ +4, और क्या हो सकती है, +2 भी हो सकती है. +2 क्यों पॉसिबल होगी, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट. क्या होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो NH2 के जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बॉन्डिंग में. राइट, तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्या मिलेगी, +2 एंड +4. राइट,
अगर कंपाउंड की बात करें हम कार्बन एंड सिलिकन, कार्बन प्लस फोर भी होता है माइनस फोर भी एग्जिस्ट करता है, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं मैं, सिलिकन प्लस फोर होता है, जर्मेनियम जो है उसकी प्लस टू एंड प्लस फोर दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, सेम एसएन की भी प्लस टू एंड प्लस फोर दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, लेड की भी दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, लाइक हमें दोनों टाइप के कंपाउंड मिलते हैं PbO एंड PbO2, राइट। अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है कि जो कंपाउंड्स होंगे इस फैमिली के वो उनका नेचर क्या होगा, कोवलेंट होंगे, वो आयनिक नहीं होंगे, मतलब हम ये बोले ना इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद अगर ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेट करें तो जो कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं इस फैमिली के वो किस नेचर के होते हैं, कोवलेंट नेचर के होते हैं, क्यों, क्योंकि आयनिक कंपाउंड बनने के लिए क्या होना चाहिए, आईपी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, राइट। बट यहाँ पे जब आईपी को कंपेयर किया जाता है आईपी वन चार इलेक्ट्रॉन रिमूव करने, आईपी टू आईपी थ्री एंड आईपी फोर का जब कॉम्बिनेशन चेक किया जाता है देन द वैल्यू इज वेरी वेरी हाई, सो एक साथ से इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होते, क्या होता है यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनता है विद द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। यहाँ पे कभी भी आयनिक बॉन्ड आपको नहीं मिलेगा, क्लियर हुआ पॉइंट। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पे एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, होप आप कर पाओगे उसको, वो क्वेश्चन क्या है बहुत सिंपल सा है, वो कार्बन के आपके नेचर में आपने एलिमेंट देखेंगे सीसीएल फोर सी एच फोर, सिलिकन के आपने क्या देखे एस आई ओ टू भी देखा हुआ है, एस आई एफ सिक्स माइनस टू, बस मुझे ये बता दो ये एस आई एफ सिक्स माइनस टू जो कंपाउंड है ये कैसे बना और क्यों बना, एक सेकंड सोचो, एक सेकंड तो नहीं एक मिनट का टाइम ले लो और फिर मुझे बता दो, अगर आपने रिवाइज किया होगा ना तो आपको अच्छे से पता होगा सिलिकन के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, वैकेंट टी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, राइट। वैकेंट डी ऑर्बिटल अगर प्रेजेंट है तो वो अपने ऑक्टेट को क्या कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है, और एक्सपेंड करेगा तो उसकी वैलेंसी एक्सपेंड हो जाएगी और वो कंपाउंड कौन से बनाएगा, एस आई एफ सिक्स टाइप के, तो क्लियर हुआ, ये सिर्फ ये एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कोई हमसे ये पूछ रहे सीसीएल सिक्स एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं, सीएच सिक्स एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है जहां पे वो अपने ऑक्टेट को क्या कर पाए, एक्सटेंड कर पाए, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज रिएक्शन विद O2, राइट ऑन द हेडिंग रिएक्शन विद O2। अब ऑक्सीजन के साथ जब भी इस एलिमेंट की मतलब इस फैमिली के एलिमेंट की जब आप रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑक्साइड मिलेगा, राइट। ऑक्साइड जो है वो दो टाइप के एग्जिस्ट करते हैं, वन इज मोनो ऑक्साइड, राइट, सेकेंड इज डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड भी मिलेगा डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दो टाइप के ऑक्साइड जो है वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। अब क्वेश्चन क्या आता है, पूछ लिया जाता है एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन इन बिटवीन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो देखो कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या है प्लस टू, यहाँ पे क्या है प्लस फोर, तो हायर विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट, जितने ज्यादा होगी उतना ही उसका एसिडिक नेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, मीन्स CO2 इज मोर एसिडिक देन CO, राइट। दूसरे टाइप की प्रॉब्लम कैसे आती है, दूसरे टाइप की प्रॉब्लम में तो डेटा ही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल CO2 SiO2 ऑक्साइड को कंपेयर कर रहे हैं अपन, जर्मेनियम का ऑक्साइड हो गया SnO2 हो गया और PbO2, इनकी नेचर को पता करना है हमें कि एसिडिक होगा या बेसिक नेचर का होगा, जरा सोच के बताइए मुझे क्या होगा। देखो जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटैलिक करेक्टर बढ़ते हैं, और आपको पता है कि जो मेटैलिक ऑक्साइड होते हैं वो तो बेसिक नेचर के होते हैं, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं एसिडिक नेचर के होते हैं, तो ये नॉन मेटल है ये नॉन मेटल है ये मेटलॉइड है, तो अप्रोक्सीमेट यहां तक जो होता है ये जो नेचर है इनका क्या होता है एसिडिक नेचर होता है, राइट। एस एन
O2 और PbO2 को अगर मैं डिस्कस करूं, देन दिस इज एम्फोटेरिक इन नेचर, राइट। बोरोन फैमिली में एम्फोटेरिक कौन था? Al2O3। यहाँ पे दोनों एम्फोटेरिक है, SnO2 एंड PbO2, राइट। एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट ध्यान रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड जो ऑक्साइड है विच इज न्यूट्रल इन नेचर, उसमें कोई एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर नहीं है, राइट। वो किस नेचर का होता है? न्यूट्रल। अगर सेम ऐसे SnO पूछ लिया जाए PbO, क्योंकि ये भी इसका एग्जिस्ट करता है, SnO और PbO, ये दोनों भी मतलब चाहे वो डाइऑक्साइड हो चाहे वो मोनोऑक्साइड हो, ये दोनों क्या होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर होते हैं, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रिएक्शन विथ वॉटर, राइट। ऑन द हेडिंग रिएक्शन विथ वॉटर, रिएक्शन विद वॉटर। अब वॉटर के साथ अगर कार्बन एंड सिलिकन की अगर आप वॉटर के साथ रिएक्शन कराओ, देन रिएक्शन नॉट पॉसिबल, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, ना तो कार्बन रिएक्ट करेगा ना ही सिलिकन रिएक्ट करेगा, राइट। अगर सेम अगर जर्मेनियम लिया मैंने, तो जर्मेनियम भी वॉटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा, यहाँ पे भी रिएक्शन नॉट पॉसिबल। SN की अगर वॉटर से रिएक्शन करा जाए तो वो ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, SnO2 में वो कन्वर्जन करता है। और जो लेड की बात करें, यहाँ पे भी रिएक्शन नॉट पॉसिबल, मतलब एक ही एलिमेंट है जो वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, वो क्या है आपका? टिन। और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। और सेम ये H2 गैस भी रिलीज करता है, कई बार इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। किस तरह से क्वेश्चन आते हैं? X मेंबर ऑफ कार्बन फैमिली, ये बोल दिया जाएगा आपको, वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे Y प्लस H2 गैस रिलीज हो रही है, तो आपको फाइंड आउट करना है वो X एलिमेंट क्या होगा और Y एलिमेंट क्या होगा। तो X आपका एलिमेंट क्या हो जाएगा? सिर्फ एक ही तो एलिमेंट है जो वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो X एलिमेंट 3 हो जाएगा और Y क्या हो जाएगा आपका? SnO2 हो जाएगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट? जितना आज हमने डिस्कस किया वो इतना काफी है, अपन बाकी जो है वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। कोई भी डाउट हो आपको स्टूडेंट्स, आप अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डिस्कशन कर सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय किरण पे, या आप यहाँ पे भी कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज बताइए। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय, ऑल द बेस्ट।